अब इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? देखो, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143, इसका शॉर्ट भी मैं बताऊंगा शॉर्टकट कैसे करते हैं, पहले इसको सीखो। अब देखो, 15 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो बेटा, तो कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5। इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 × 7। 63 को क्या लिख सकते हो बताओ? 7 × 9। इसको कैसे, 99 को कैसे लिख सकते हैं? 9 × 11। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/11 × 13। यहां तक क्लियर है? अब इसको जानते, इसको जो सेपरेट कहते हैं, इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/3 − 1/5। तुम कहोगे सर नहीं लिख सकते, क्यों? देखो, 5 − 3 2/3 × 5 हो जाएगा, लेकिन यहां तो 1/3 × 5 है, तो ऐसा करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब तो लिख सकते हैं। देखो सॉल्व करके इसको, यही आ रहा होगा। यहां भी इसी तरह से कैसे कर सकते हैं बताइए, 2 1/2 × 1/5 − 1/7। तो ओवरऑल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो, प्लस 1/5 − 1/7। इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस 1/7 − 1/9, प्लस 1/9 − 1/11, प्लस 1/11 − 1/13। ठीक है, अब देखो, −1/5 + 1/5 कट, −1/7 + 1/7, और ये देखो सारे सारे क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच रहा है, तो 1/2 × 1/3 − 1/13। यस और नो? अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो कैसे लिखोगे? 13 − 3/3 × 13। यस और नो? तो 1/2 × 13 − 3 कितना होता है बेटा? 10 / 3 × 13। 2 से इसको कट कीजिए, सो योर आंसर शुड बी 5/39। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। अब इसी का शॉर्ट मेथड बताता हूं। देखो, यहां पे डिफरेंस 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है, यहां भी डिफरेंस, सब में 2 डिफरेंस है ना? तो जब जितना डिफरेंस है उसको ऐसे लिख दो, इसके बाद ये टर्म और ये टर्म को माइनस कर दीजिए और अपॉन में फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो, यही आंसर हो गया ना, 5/39। ये इसका टिप्स है, हिंट्स है, इसको एक शॉर्ट मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट करो, ठीक है।